सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्वागत है आपका, आई एम अ पीपर। सो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। सो आज मैं सोच रहा हूँ हम बनाएंगे एक अल्ट्रा जायंट शुगर केन फार्म, क्योंकि हमें करनी है विलेजर से ट्रेड और उसके लिए चाहिए होते हैं एमराल्ड्स, और हम एमराल्ड्स ले सकते हैं लाइब्रेरियन से, पेपर से। तो हम जल्दी से फार्म को बनाना शुरू करते हैं। सो मैंने सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ था चेस्ट पे, सो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कितना सारा सामान है, क्योंकि हम उसे बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, पर मुझे नहीं पता वो कैसा वर्क करेगा और कैसा क्या नहीं। सो मैंने सोचा था ये वीडियो मैं डालूँगा नहीं वैसे शुगर केन फार्म की, क्योंकि मेरे पास एमराल्ड फार्म तो है, लेकिन मैंने को पता नहीं मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल गई थी। सो मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने उसमें कुछ बनाया था थोड़ा सा, एक टाइप से वेदर फार्म था वो, जिसमें मतलब हमें पता था कि कहाँ पे स्पॉन होंगे वो हैं, और हमें उन्हें मारना था, बस हमें उससे लूट मिलती रहनी थी, बस वो इजी सा फार्म था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा रिकॉर्डर ही क्रैश हो गया था, और मैंने पूरा बना के टेस्ट भी कर लिया और पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सारा। चलो चलो कुछ नहीं होता, मैं आपको दिखा दूंगा वो नेदर फोर्ट्रेस और मैंने जो उसमें बनाया, और आप यकीन नहीं करोगे मुझे तीन स्केलेटन हेड्स मिल गए। पता नहीं कैसे मिले मुझे फार्म से, बट मुझे मिल गए। सो लक तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। चलो कुछ नहीं होता, क्योंकि एक मुझे तब मिला था जब मैं फार्म को बना रहा था, और एक उसके बाद जब मैंने पूरा बना लिया। सो मेरा लक अच्छा था, इसका मतलब हम विदर स्पॉन कर सकते हैं अभी। और मैं नेदर फोर्ट्रेस से नेदर फोर्ट भी लाया था, और वो हाँ मुझे वहाँ पे चार या पांच डायमंड मिले थे, और तीन चार डायमंड हॉर्स आर्मर मिले थे, तो मैं सब कुछ लाया हूँ। और मैं ब्लेज रॉड भी लाया हूँ ताकि हम पोशंस बना सकें। सो अगली बार मैं नेदर में पोशंस बना के जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ हम वेदर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें अपने आर्मर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो मेरा डायमंड आर्मर है उसे मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बहुत। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये मेरी स्वॉर्ड पे जो लगी है बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, उससे होता क्या है। मुझे लग रहा है उससे लक बढ़ जाता है हमारा विदर स्कल्स लेने का, जैसे लूटिंग से नहीं बढ़ता, क्योंकि मुझे आज तक कभी इतनी जल्दी नहीं मिले स्कल्स, लेकिन ये जो स्वॉर्ड है इससे इतनी आसानी से मिल गया ना स्कल्स, यकीन नहीं करोगे। चलो मैं अगली में दिखा दूंगा, अभी हम फिलहाल ये फार्म बना लेते हैं पहले। सो मुझे ये बटन्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे पानी आगे ना आए, और मुझे यहाँ पे चेस्ट और हॉपर का वो करना पड़ेगा जिससे सारा शुगर केन यहीं पे कलेक्ट हो। सो मैं जल्दी से यहाँ पे चेस्ट लगा लेता हूँ, कि यहाँ पे एक चेस्ट, और इससे मैं कनेक्ट करूँगा एक हॉपर। सो मैं हॉपर भी ले लेता हूँ जल्दी से, और वो थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, बट कुछ नहीं होता। सो अभी मैं टीवी देख रहा था, और अभी कित्रेत्सु आ रहा था, और अभी पोकेमोन आ रहा है, दोनों ही मेरे फेवरेट शोज हैं। पर चलो कुछ नहीं होता, हम वीडियो बनाएंगे पहले। ओके, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको मेरी वॉइस ज़रूर अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि अजीब सी हो रखी है, क्योंकि पता नहीं क्या है मुझे, पता नहीं गले में अजीब सा हो रखा है, गला ख़राब है मेरा थोड़ा सा, इसीलिए मुझे भी बोलने में परेशानी हो रही है, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी कुछ दिनों से, बट मैं ट्राई करूँगा अब रेगुलरली वीडियोज़ आएँ। सो अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ हम स्कल फार्म से और भी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे, जैसे और स्कल्स, मज़ा आएगा। बस उस फार्म में एक डर है, अगर कभी घास आ गई ना तो मेरा वो फार्म बचेगा नहीं, तो चलो कुछ नहीं होता। पर सो मुझे ऐसे ही करना है हर जगह, सो मैं जल्दी से बना लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे।
ये मेरा फॉर्म तो बनता रहेगा, मैं इसे ऑफलाइन में पूरा कर लूँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो मैं सोच रहा हूँ हम डायमंड लेने जाते हैं, क्योंकि मुझे दो तीन जगह डायमंड की लोकेशन पता है। सो एक तो रवीन में और एक यहाँ डेजर्ट टेम्पल है पास में, तो जल्दी चलते हैं। सो अभी मैं रवीन में आया हूँ डायमंड ढूंढने के लिए। मुझे वैसे लोकेशन पता है क्योंकि मैं क्रिएटिव में घूमता रहता हूँ अपने वर्ल्ड में, मतलब मैं इस वर्ल्ड में क्रिएटिव में नहीं घूमता, मैं इसकी कॉपी बना के या इसका सीड यूज़ करके। और अगर आपको मेरे वर्ल्ड का सीड चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे वर्ल्ड का सीड है वो है 666, ठीक है, मतलब 666। ये मैंने कहीं से देखा था सीड, पर मुझे पता नहीं था इसमें क्या खास है, मैंने बस डेजर्ट टेम्पल देखा था इसलिए मैंने ये सीड लगाया, क्योंकि डेजर्ट टेम्पल काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्या पता अच्छी लूट मिल जाती है। लेकिन उतनी अच्छी लूट थी नहीं उस डेजर्ट टेम्पल में, सो फ़ायदा नहीं हुआ मेरा इस सीड को यूज़ करने का। और वो देखो सामने डायमंड, अभी आपको एक ही दिख रहा होगा लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ ज़्यादा है। और आप देख ही सकते हो मैं अपनी फॉर्च्यून वाली पिकेक्स लेके आया हूँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा डायमंड लूँगा। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे 8 डायमंड है, क्योंकि उससे ज़्यादा कभी मिलते नहीं हैं, क्या पता किसी लकी को मिले हो एक जगह पे, लेकिन मुझे तो 8 से ज़्यादा कभी नहीं मिले। सो देखो नीचे भी है, सो देखते हैं 8 डायमंड और से अरे मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ, ज़ुबान क्यों फिसल रही है। देखते हैं हम 8 डायमंड और को अगर हम फॉर्च्यून 3 वाली पिकअप से तोड़ेंगे तो हमें कितने डायमंड मिलेंगे, तो चलो जल्दी से देखते हैं। अगर 8 के 16 भी हो गए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि डबल डायमंड हो जाएंगे, लेकिन अगर 20 तक मिले तब तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे मिलेंगे नहीं मुझे पता है, बट कुछ नहीं होता, सोच तो सकते हैं। तो मैं अभी साइड का खाली कर रहा हूँ, क्योंकि पता चला मैंने ये डायमंड तोड़े और गए सीधा लावा में, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि ये डायमंड मेरे हाथ से जाएं। और ये फॉर्च्यून वाली पिकेक्स आपको याद नहीं है तो मैं बता दूँ, ये मेरी वो वाली पिकेक्स है जो मैंने खुद बनाई है, वो वाली नहीं है जो मैंने विलेजर से ट्रेड किया, तो ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ इन्हें फॉर्च्यून वाली पिकेक्स निकाल के, पहले मैं ये खाली कर लेता हूँ साइड का। ओके सो मैं अब निकाल लेता हूँ जल्दी से अपनी फॉर्च्यून वाली पिकेक्स, पहले सो जाता हूँ यार, रात भी इतनी जल्दी हो जाती है। तो हम अगली सुबह डायमंड तोड़ेंगे जैसे कि ये है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से तोड़ते हैं। ओके ओ अरे अरे डबल नहीं हो रहे, मैंने 4 तोड़े 5 मिले, चलो फिर भी नॉर्मल से तो ठीक ही है बट कम है। ओके सो 10, उससे कितने सारे मिले एक और से, इससे तो एक ही मिला, ओ इससे 3 मिले, वो हमारे 8 के 14 डायमंड्स हो गए। सो काफ़ी अच्छी है फॉर्च्यून वाली पिकेक्स, मैं कोल भी माइन कर लेता हूँ अपने विलेजर्स को लेवलअप करने के लिए। और आपको शायद मैंने नहीं बताया कि मेरे कुछ विलेजर डिस्पॉन हो गया, पता नहीं क्यों, मुझे कमेंट में बता देना क्यों आए होंगे। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे सर्वाइवल सीरीज़ की और भी वीडियोस के साथ और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय।